फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग idioms एंड phrases का पार्ट 13 करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर अभी भी उसमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके ईजिली देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले idiom की तरफ। पहला idiom है पॉइजन समवंस ईयर्स, मतलब किसी के कान भरना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भड़काना, इसे बोलेंगे पॉइजन समवंस ईयर्स। ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए इज टू पैसिफाई द मैटर्स, मतलब क्रोध शांत करना। ऑप्शन बी इज फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब पक्ष और विपक्ष। ऑप्शन सी इज टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, मतलब कान भरना। ऑप्शन डी इज टू कीप अ वर्क पेंडिंग, मतलब काम को लंबित कर देना। हमने चार ऑप्शंस देख लिए, और ये जो आइडिया है हमारा पॉइजन समवंस ईयर्स, मतलब किसी के कान भरना, किसी को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भड़काना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आइडिया है क्वियर फिश। देखिए ये जो वर्ड लिखा है क्वियर, इसका मतलब ही होता है ऑड या फिर स्ट्रेंज, मतलब विचित्र हो, अजीब हो। तो क्वियर फिश मतलब अगर एक तालाब में सारी मछलियाँ एक जैसी हैं, सारी फिश एक जैसी हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही अजीब सी, विचित्र सी कोई फिश आ जाए तो उसे बोलेंगे क्वियर फिश, मतलब एक स्ट्रेंज पर्सन, इसी को बोलते हैं क्वियर फिश। ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन ए इज टू एक्ट फर्मली, मतलब अपने प्राधिकार को दर्शाना। ऑप्शन बी इज एन एक्सपर्ट, मतलब विशेषज्ञ। ऑप्शन सी इज रेन वेरी हैवीली, मतलब तेज बारिश होना। एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति। तो हमने सभी ऑप्शंस जान लिए, और ये जो idiom है क्वियर फिश मतलब अ स्ट्रेंज पर्सन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेंज पर्सन। होप आपको ये idiom भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले idiom है रूल द रूस्ट। देखिए रूल द रूस्ट का मतलब हो जाएगा रॉब जमाना, अधिकार जमाना, टू डोमिनेट, है ना। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इज टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन, मतलब कड़ा विरोध करना। ऑप्शन बी इज टू डोमिनेट, रॉब जमाना। ऑप्शन सी इज टू सेव वन सेल्फ, स्वयं को बचाना। एंड ऑप्शन डी इज बी वेरी एंग्री, गुस्से में होना। तो रूल द रूस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी टू डोमिनेट मतलब किसी के ऊपर रूल करना, किसी के ऊपर रॉब जमाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ इन माई फैमिली इट इज़ माई फादर हु रूल्स द रूस्ट, मतलब मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं जिनका रॉब चलता है, जो सबको डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी ऑप्शंस बता दिए, सबके मीनिंग बता दिए, और रूल द रूस्ट इस idiom का क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू डोमिनेट, रॉब जमाना, अधिकार जमाना। होप आपको ये idiom क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला idiom है रन द गॉन्टलेट। अब देखिए गॉन्टलेट जानते हैं क्या आप सभी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये गॉन्टलेट का है, मतलब ये एक आर्मर्ड ग्लव होता है जिसको जो वॉरियर होते हैं, वो वॉरियर जब भी किसी युद्ध पे जाते हैं या कोई फाइट लड़ने जाते हैं उस टाइम पे इसे पहनते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है गॉन्टलेट। अब हम इसका मीनिंग बताते हैं आपको। रन द गॉन्टलेट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मान लीजिए दो रोज़ हैं, इन दो रोज़ में वॉरियर्स खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे दोनों रोज़ में कुछ लोग खड़े हैं। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इन सब का फेस जो है वो एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे के सामने ये लोग खड़े हैं। अब कोई एक व्यक्ति है जिसने कोई गलती की है, मतलब कोई ऑफेंडर है। अब उस ऑफेंडर को कोई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसे ये पनिशमेंट मिलेगी कि उसे इन दो रोज़ के बीच में से भागना होगा। तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरेगा, और जब वो इस रास्ते से, इस पाथ से गुजरेगा, मतलब भागेगा, उस टाइम पे ये रो में जो लोग खड़े हैं ये लोग अपने गॉन्टलेट से इसके ऊपर वार करेंगे, अपने वेपन से इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है रन द गॉन्टलेट का, मतलब टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, बुरे अनुभव से गुजरना। होप आपको ये idiom क्लियर है। ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए इज़ शोइंग एग्रीमेंट, मतलब पूर्णतः सहमत होना।
ऑप्शन बी इज कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड, मतलब समझ जाना। ऑप्शन सी इज टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। एंड ऑप्शन डी इज टू ट्रीट एज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, मतलब असम्मान करना या फिर बिल्कुल भी महत्व ना समझना। तो सारे ऑप्शंस देख लिए हमने और मैंने आपको इसका मीनिंग तो क्लियर कर ही दिया है कि क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, ऑप्शन सी टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम है हमारा सेल अंडर फॉल्स कलर्स, इसका मतलब हो जाएगा संत के रूप में डाकू, मतलब आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो चीज़ प्रिटेंड कर रहे हैं जो आप वाकई में नहीं हैं, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स। ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं, ऑप्शन ए इज मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप, मतलब संबंधों को मधुर बनाए रखना। ऑप्शन बी इज डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, मतलब भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर रहना। ऑप्शन सी इज टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वॉज अदरवाइज स्टेबल, मतलब संतुलन बिगाड़ना। एंड ऑप्शन डी इज टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, मतलब धोखा देना। तो यहाँ पे इसका आंसर तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, संत के रूप में डाकू, है ना। तो सेल अंडर फॉल्स कलर्स यही इसका मीनिंग होगा, किसी को धोखा देना या फिर ऐसे प्रिटेंड करना जो आप वाकई में नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ इडियम्स डिस्कस किए, आई होप आप सभी को इन सभी इडियम्स के मीनिंग क्लियर होंगे। अगर स्टिल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।